हेलो सीयूईटी एस्पिरेंट्स, पिछले 3 महीने से चल रही सीयूईटी की काउंसलिंग लगातार बंद होने की कगार पे है। बहुत सारी जगह बंद हो चुकी है और बहुत सारी जगह अभी ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन के अंदर बंद हो जाएगी। आज अपन यार बात करेंगे IGNTU, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। बहुत सारे बच्चों की क्वारी जा रही थी इस कॉलेज के रिगार्डिंग। अगर अपन कॉलेज के बारे में बात करें तो यहाँ तक अभी जो है सेकेंड दो लिस्टें यूजी प्रोग्राम एंड पीजी प्रोग्राम की आ चुकी है ऑलरेडी। अब लॉट ऑफ द स्टूडेंट क्वारी रिगार्डिंग कि भैया सेकंड जस्ट लाइक थर्ड राउंड आएगा कि नहीं आएगा, क्या स्पोर्ट राउंड होगा, क्या सारा सीन है, क्या थर्ड राउंड आने वाला है। यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियली 15 नवंबर 2022 को एक नोटिस रिलीज किया गया है जिसके अंदर ये लिखा गया है ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द रेट यूनिवर्सिटी। तो इसका क्या प्रोसेस है, इसके साथ ही आपको एक ऑनलाइन वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी दिया गया है। तो आप लोगों को क्या करना है और जिन भी स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो भी स्टूडेंट जिनका भी ऑलरेडी एडमिट हो चुके हैं कॉलेज के अंदर, अलॉटमेंट आ चुका है, तो उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डिस्कस कर लेते हैं जो उनको लेके पहुंचने हैं कॉलेज में। तो यार आपको जो है एक तो 10th की ओरिजिनल मार्कशीट, उसके साथ 12th की ओरिजिनल मार्कशीट, आपको जो ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट की, चाहे वो SC ST OBC जनरल EWS जो भी हो। आपको अगर आप PWDC है तो आपको PWD का सर्टिफिकेट लेके जाना है। आपको जो भी अगर आप PG कैटेगरी में तो आपको UG की मार्कशीट लेके जानी है, 10th की 12th की सारी लेके जानी है। उसके साथ आपको एक अपने पास माइग्रेशन होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको एक तो स्कूल वाला देगा अगर आप 12th पास किए, या फिर कॉलेज वाला भी देगा, इसके साथ आपका बोर्ड भी देगा जो भी है आपने जहाँ से भी कंप्लीट किया है। एंड उसके साथ आपका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपको आपका जो भी कॉलेज या फिर प्रीवियसली इंस्टीट्यूट जो था वो ये वेरीफाई करता है कि ये बच्चा कितना मतलब कैसा था, अच्छा था बुरा था, ठीक है। इसके साथ ही जो है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यार बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले जो है हमारे जैसे लोगों से जो जलते हैं वो लिख देते हैं करेक्टर के अंदर कि बहुत ही बुरा करेक्टर था। इससे जो है फ्यूचर में आपके जो भी अपॉर्चुनिटीज होती आती है वो थोड़ा सा उसमें इश्यू आता है। हालांकि आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले समझते हैं, ठीक है, स्पेशली बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका लिख दिया जाता है, जो उदंडी होते हैं ना बहुत खतरनाक, तो उनके लिखा जाता है। आपको अपना आधार कार्ड भी लेके जाना है, साथ में आपको एड्रेस प्रूफ के लिए आप अपना आधार कार्ड यूज कर सकते हो, जो भी एड्रेस प्रूफ या आइडेंटिटी प्रूफ की कोई भी कॉपी चलेगी। आपने जो भी अपना फीस रिसिप्ट पे किया है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे उसकी फीस की रिसिप्ट लेके जानी है। इसके साथ ही जो है एडमिशन फॉर्म भी आपको लेके जाना है, ठीक है। एंड ये एडमिशन फॉर्म, स्टूडेंट क्वालिफिकेशन, ये जो पेरेंट रैंकिंग और जो भी है आपका सिलेक्शन लिस्ट वगैरह वगैरह नीचे दिया गया है, ठीक है। अब जो है ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए क्या प्रोसेस है, तो यहाँ पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए 4 पॉइंट दिए गए जिनको आप पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दूंगा। इसके साथ ही कैंडिडेट मस्ट फिल द एडमिशन फॉर्म विच सेल्फ अटेस्टेड साइन इन जस्ट लाइक सबमिटेड द कंसर्न HOD ऑन द डेट ऑफ वेरिफिकेशन थ्रू ईमेल, कम्युनिकेशन चैनल इज प्रोवाइड बाय द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और आप लोगों को ये सजेस्ट किया जाता है कि यार ऑफलाइन विजिट करें। हालांकि आप लोगों के जो है ऑफलाइन की जो डेट डिसाइड की गई है वो 24 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक दिया गया है, और ये नोटिस जो है 15 तारीख को ऑफिशियल रिलीज हुआ है। इसके साथ ही एक और नीचे दिया गया है प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट इन डिप्लोमा UG एंड PG कोर्सेस, राइट। अब यार बहुत सारे बच्चों के क्वारी जा रही है कि भैया हमारा एडमिशन नहीं हो रहा। बहुत सारे बच्चे पिछले कुछ सालों से लगातार कॉल पे कॉल कर रहे हैं, एक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो पिछले 2 साल से परेशान है एडमिशन के लिए, ठीक है। तो यार जो है अभी ऑलमोस्ट 5 से 10 दिन बचे हैं, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को ऑलमोस्ट 1 साल खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को जो है अगले साल फिर से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आप अपना 1 साल बर्बाद नहीं करना चाहते हैं तो मैक्सिमम कॉलेजों में अप्लाई करिए, जितने भी कॉलेजेज हैं बच्चे हुए हैं जिनमें एडमिशन चल रहा है सभी में अप्लाई करिए, और शायद आप जरूर से एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और भी कोई क्वारी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। वो जिनको भी एडमिशन लेना है मतलब 100% लेना है, हमारे पास ऐसे क्वारी करने के लिए कॉल ना करें कि सीट है क्या, ऐसा है क्या, आप कितनी फीस लोगे, कैसे होगा, वैसे होगा, उन सब बातों के लिए अभी टाइम नहीं है। जिसको एडमिशन चाहिए होता है सिर्फ वही हमारे पास कॉल करें,
कोच ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों को वेटिंग में रहना पड़ता है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों की कॉल उठाई नहीं जाती, तो परेशानी वाला काम बिल्कुल ना करें। जिसको अगर एडमिशन लेना हो वो कॉन्टेक्ट करें, और जिसको नहीं लेना वो अगले साल के लिए फिर से प्रिपेयर कर सकता है, ज़रूर से प्रिपेयर कराएंगे और फ्री में कराएंगे, वो भी यूट्यूब पर कराएंगे, ठीक है। थैंक यू।